वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इेट बिहेवियर ये हमारी जो एनिमल बिहेवियर की जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट करी थी उस सीरीज का एक थर्ड पार्ट है थर्ड वीडियो है आज हम इट बिहेवियर के बारे में देखेंगे तो हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं इनेट बिहेवियर का जो सेकंड नाम है वो स्टेरियोटाइप है हम इनेट बिहेवियर को स्टेरियोटाइप बिहेवियर भी कहते हैं इनेट बिहेवियर की डेफिनेशन क्या है वैन ए पार्टिकुलर टाइप में ऑफ स्टिमुलस प्रोग ऑफ रिस्पॉन्स इन द होल लाइफ इट इज़ कोल्ड इनेट बिहेवियर कोई भी एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस है जो कि कुछ बिहेवियर को अपनी लाइफ टाइम में रिस्पॉन्स करता है पूरी लाइफ के अंदर उस चीज़ को हम बोलते हैं इनेट बिहेवियर और स्टेरियोटाइप बिहेवियर जो इनेट बिहेवियर होता है वो जैसे कि हमने इम्यूनोलॉजी के अंदर इम्यूनिटी पकाा था अक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी तो जो इनेट इम्यूनिटी होती थी वो हमें ड्यूरिंग बर्थ से ही मिल जाती थी उसको हमें लाइफ टाइम में अक्वायर पड़ता था तो उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे कंपेयर करेंगे जैसे कि जो बिहेवियर है उसको हम बर्थ के ड्यूरिंग ही ले लेते हैं हमें बाद में उस चीज़ को सीखना नहीं पड़ता है उस चीज़ को हम बोलते हैं इन बिहेवियर वेन एन इंडिविजुअल रिपीट द सेम पैटर्न ऑफ बिहेवियर अगेन एंड अगेन जो इसकी अदर डेफिनेशन है कोई भी एक इंडिविजुअल है वो सेम चीज़ को सेम पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है बिना उसको सीखे हुए पहले से उसको सब कुछ आता है जैसे कि एक स्पाइडर है वो अपना जैसे भी वो जाल बनाती है उसको ये बाई बर्थ याद होता है ना कि उसे बाद में सीखना पड़ता है और जो इसका सेकेंड एग्जाम्पल है जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी है उसको अपनी आ, मदर का कैसे से मिल्क सक करना है उसको पहले से ही आता है ना कि उसको सीखना पड़ता है इट इज आल्सो कॉल्ड इनेट और इनबोर्न और इनहेरियंट बिहेवियर इसको हम इनेट इनबोर्न और इनहेरियंट बिहेवियर भी कहते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनेट बिहेवियर के जैसे कि पैटर्न ऑफ बिहेवियर इज इनहेरिटेड इट इज़ पासड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग जो करेक्टर्स हैं उसमें जो भी उनके बिहेवियर हैं वो पेरेंट से पास होंगे ऑफ स्प्रिंग के अंदर इट इज़ अनलर्न बिहेवियर इसको हमें सीखना नहीं पड़ता है इसको हम बाई बर्थ ही एक्वायर कर लेते हैं इट अकर्स इन ऑल द मेम्बर ऑफ ए स्पीसीज हैंड्स इट इज स्पीसीज एंड प्रेडिक्टेबल इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन पास्ट एक्सपीरियंस ये इसमें कोई भी प्रकार का पास्ट का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो नहीं होता है एज इट इज़ एन इन बोर्न रिस्पॉन्स टू ए स्टूमलस ये इन बोर्न जो रिस्पॉन्स होता है उसकी के अकॉर्डिंग हमें मिलता है जो फिक्स एक्शन एफ ए पी एस है स्टेरियोटाइप एक्ट आर कंसिडर टू तो बी फिक्स एंड द बिहेवियर पैटर्न आर कार्ड एफ ए पी जो स्टीरियोटाइप एक्ट है कंसिडर करता है फिक्स के अंदर फिक्स बिहेवियर जो होता है एक इंडिविजुअल के अंदर उस चीज़ को हम बोलते हैं फिक्स एक्शन एफ ए पी शॉर्ट फर्स्ट डिस्क्राइब बाई के लोरियंज एग्जाम्पल ओरियंज एंटिन बर्गर नाइनटीन थर्टी एट एग्जामिन एग रोलिंग बिहेवियर इन द ग्रे लेग गोस इफ़ द एग स्लिप अवे सी कॉन्टिन्यू द मोशन वन स्टार्ट द बिहेवियर मस्ट बी कम्प्लीट इन ए स्पेसिफिक वे कुछ टाइप हैं कुछ मोड हैं इनट बिहेवियर के अब हम वो देखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप के इनेट और स्टीलो टाइप बिहेवियर के इसमें मोड हैं वो क्या क्या हैं जैसे कि ट्रोपिज्म है टैक्सीज है काइनेसिस है रिफ्लेक्सेस है स्टनिकट है तो हम सबसे पहले ट्रोपिज्म देखेंगे कि ट्रोपिज्म क्या होता है इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियर को हैन ओनली वन पार्ट ऑफ ऑर्गन मेक इन रिस्पॉन्स टू स्टमलेट्स एक ऐसा बिहेवियर है जिसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गन एक ही पार्ट रिस्पॉन्स करेगा वैन ए प्लांट पार्ट गेट मूव इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टूमिलाई और डायरेक्शन स्टूमिलाई देन इट इज़ नोन एज ट्रोपिज्म जैसे कि एक प्लांट है उसका कोई भी पार्ट है वो मूव कर रहा है किसके रिस्पॉन्स में एक्सटर्नल स्टूमिलाई और डायरेक्शनल स्टूमिलाई के रिस्पॉन्स में उस चीज को हम बोलते हैं ट्रोपिज्म ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रोपिज्म का प्लांट वाला इट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टूमस ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ स्टूमस के ऊपर ये फिक्स टाइप ऑफ बिहेवियर होता है फिर जो हमारा सेकंड पार्ट है वो टैक्सीज है टैक्सेज क्या होता है इज फोर सिंगल के लिए यूज़ करते हैं हम और ई एस जो हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं जो टैक्सेज है वो सिम्पलेस टाइप है इेट और स्टीरियो टाइप बिहेवियर का इट इज़ एन ओरिएंटेशन ऑफ एन एनिमल इन रिस्पॉन्स टू द सोर्स ऑफ स्टमिलाई एक ओरिएंटेशन है एनिमल्स में रिस्पॉन्स करता है सोर्स ऑफ स्ट्यूमिलाई को इफ़ द ओरिएंटेशन इज़ टुवर्ड द स्टूमिलस इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव जो इसमें हम दो टर्म है एक तो पॉजिटिव टैक्सेज और एक है नगेटिव टैक्सेज जो पॉजिटिव टैक्सेस हैं वो ओरिएंटेशन के टू में स्टूमुलस में वर्क जो करेंगी उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टैक्सेस और जो अवे करेंगे फ्रॉम स्टूमुलस से उसको हम बोलेंगे नेगेटिव टैक्सेस विद रेस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ स्टूमुलस टैक्सेज कैन बी क्लासीफाई हैज़ फॉलोइंग टाइप जो क्लासीफाई जो टैक्सेज है वो कुछ टाइप्स में क्लासीफाई हुआ है वो कौन कौन से हैं फर्स्ट है फोटो टैक्सेस सेकेंड कैमोटैक्सिस, थर्मोटैक्सिस, थिग्मोटैक्सिस, हाइड्रोटैक्सिस, रोस्टोटैक्सिस, टैक्सेस और जियोटैक्सिस जो फोटोटैक्सिस है वो क्या है ये रिस्पॉन्स करता है लाइट में केमोटैक्सिस रिस्पॉन्स टू केमिकल केमिकल के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा केमोटेक्सिस थर्मोटैक्सिस ये हीट के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करेगा फिर जो नेक्स्ट है वो रिस्पॉन्स करेगा कॉन्टेक्ट में आने में और जो हाइड्रोटैक्सिस है रिस्पॉन्स टू मोइस्चर में रिसनोटेक्स रिस्पॉन्स टू करंट ऑफ एयर वाटर रिस्पॉन्स टू कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक करंट गियोटैक्स रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी ये सारी चीज़ें शॉर्ट में आपको मेंशन की हुई हैं आप इनके प्रॉपर नोट्स भी ले सकते हैं टेलीग्राम का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूँगी जो नेक्स्ट है इफ्लैक्स है ए सिंपल मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ एनिमल इन रिस्पॉन्स टू ए स्टूमुलस इज गोल्ड रिफ्लैक्स रिफ्लैक्स क्या होता है सिंपल मूवमेंट होती है एनिमल के पार्ट के अंदर उस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं रिफ्लैक्स इट इज ए क्विक इन इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन एक्सटर्नल और इंटरनल स्टूमुलस विच हैज़ ग्रेट अडेप्टिव एंड सर्वाइवल वैल्यू टू द ऑर्गेनिज्म जो रिफ्लेक्स है वो इनहेरिटेड और अनलर्न बिहेवियर होता है जो कि फाउंड होता है ओल मेंबर ऑफ द ओल स्पीसीज के अंदर ये इन्वॉल्व करता है सेंस ऑर्गन एंड नर्वस सिस्टम के अंदर फिर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है इट इज़ द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर दे आर नॉर्मली इन्वोल्टी ऑटोमेटिक एंड स्टीरियोटाइप जो कैरेक्टर्स हैं वो सिंपलेस्ट यूनिट होगी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर की नॉर्मली इन्वोल्यूशनरी ऑटोमेटिक एंड स्टीरियोटाइप होंगे अनलाइक टैक्सेज रिफ्लैक्सेज यूजली इन्वोल्ड मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ बॉडी रिफ्लेक्स आर द आउटकम ऑफ न्यूरल मैकेनिज्म। टाइप क्या होंगे रिफ्लेक्स के टोनिक रिफ्लेक्स और पेजिक रिफ्लेक्स जो टोनिक रिफ्लेक्स क्या होगा अब देखेंगे टोनिक रिफ्लेक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे स्लो दीज आर स्लो ए स्लो होंगे लॉन्ग लास्टिक रिस्पॉन्स शो करेंगे इन्वॉल्व होंगे मेंटेनेंस ऑफ द मस्कुलर टर्न पोस्टर एंड इक्वेशन एडजस्टमेंट और जो फेजिक रिफ्लेक्स होंगे फास्ट होंगे शॉर्ट लाइव रिस्पॉन्स होगा इनका और ये अकर करेंगे ड्यूरिंग फ्लैक्शोन रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी के अंदर इनका एग्जाम्पल क्या है इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो द रिफ्लैक्स एक्शन इज कैन बी इजिली अंडरस्टैंड बाई सिंपल नी जार्क रिफ्लैक्स इसको हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसके थ्रू नी जार्क रिफ्लैक्स के थ्रू ये इसका मेन एग्जाम्पल है फिर स्टेनिक्ट बिहेवियर को हम देखेंगे इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टीरोटाइप बिहेवियर विच इज़ अनलर्न प्रेडिक्टेबल जो स्टेनिक्ट है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टेरियोटाइप बिहेवियर है ये अनलर्न प्रेडिक्टेबल जेनेटिक कंट्रोल एंड स्पीसी स्पेसिफिक एंडिटीज इन रिस्पॉन्स ऑफ ए शाइन और रिलीजर स्टूमिलई जो एग्जांपल क्या है बिहेवियर का बिल्डिंग ऑफ नेस्ट बाय बर्ड साइनिंग टू अट्रैक्ट मेल माइग्रेशन एसेट्रा एग्जाम इसका जो मेन एग्जाम्पल है जैसे कि कोई भी बर्ड्स और बिल्डिंग के ऊपर नेस्ट बनाते हैं और वो शाइन करने के लिए मेल्स को अट्रैक्ट करते हैं जैसे सिंगिंग करते हैं वो अपना या फिर अपने कुछ और एक्टिविटी शो करते हैं अपना कलर चेंज करते हैं इस टाइप की मेट के लिए वो चेंज करते हैं माइग्रेशन वगैरह करते हैं ये है इसका मेन एग्जाम्पल है किसका बिहेवियर का जो आज का हमारा टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है फिर जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो एक्वायर्ड बिहेवियर पैटर्न है सो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप मुझे बताइए और अगर आपको नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं तब तक के लिए बाय थैंक यू सो मच मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में